फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स के पेपर में क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपके साथ ऐसे गेस्ट पेपर्स विद पेयरिंग स्कीम शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इजीली जो है 85/85 मार्क्स जो है अचीव कर सकेंगे। ये 100% जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चंस और विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपने ये करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड जो है आपके एग्जाम्स में मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, हमारा टोटल मार्क्स का पेपर होता है 85। इसमें 17 मार्क्स जो होते हैं एमसीक्यूज़ के होते हैं और बाकी 68 मार्क्स जो हैं वो हमारे सब्जेक्टिव के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो होता है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन आता है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है अकॉर्डिंग टू पेइंग स्कीम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से आएगा। और चैप्टर नंबर 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेइंग स्कीम के लिहाज से 4 शॉर्ट आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपने यही प्रिपेयर करने हैं। तो आप इजीली जो है चैप्टर नंबर 1 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है कवर कर लेंगे। ओनली जो है 14 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, इनमें से डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंशिएट वाले भी हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। तो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं कि आपने पहले डेफिनेशंस लिखनी है कॉमास में, फिर उसके बाद जो है उसके एग्जांपल्स या ऐसे यूनिट्स या कोई उसका फार्मूला लिखें। ठीक है, और अगर आपसे डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने दरमियान में लाइन लगानी है मस्टली, और उसके बाद पहले दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, फिर उसमें फार्मूला लिखें, उसका ऐसे यूनिट लिखें, एग्जाम्पल से करके उसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, इस तरह जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपसे कोई पूछा जाए, लास्ट पूछा जाए, तो आपने उसको भी कॉमास में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके मार्क्स में। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद पेयरिंग स्कीम एंड न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो इसी पेयरिंग में आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी डेफिनेशन भी है, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं। ओनली 10 क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं जो आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग जो बन रही है चैप्टर नंबर 3 के साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, अगर आपको ये दोनों चैप्टर इजी लगते हैं और आप इसका लॉन्ग जो है अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो इसको थ्योरी वाइज भी प्रिपेयर कीजिएगा और न्यूमेरिकल वाइज भी, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी चैप्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल वाला भी। स्टूडेंट्स, ये दो जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो साथ मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं और साथ न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी आपने मिस नहीं करने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद पेयरिंग स्कीम और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसी पेयरिंग में आएगा, और चैप्टर नंबर 3 से अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम 3 शॉर्ट आएंगे। तो स्टूडेंट्स, टोटल जो है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड सेलेक्ट किए गए हैं, अपने ये अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। इसमें जो लॉज गिवन है न्यूटन लॉ और इलास्टिक लॉयन वगैरह जो पूछ रहे हैं, इस तरह का डिफरेंशिएट और ये क्वेश्चंस जो है अपने सारे 12 जो है अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। तो आप चैप्टर नंबर 3 से वाले शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है आप इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी बन रही है चैप्टर नंबर 2 के साथ। अगर आपने ये बार लॉन्ग प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 2 और 3 के दोनों जो हैं थ्योरी वाइज भी प्रिपेयर कीजिए और न्यूमेरिकल वाइज भी। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 से जो सेलेक्ट किए गए हैं ओनली 3 क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी वाइज के लिहाज से सेलेक्ट किए गए हैं, उसके बाद जो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं ये भी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड है, आपने ये भी नहीं मिस करनी। ठीक है, आपने दोनों तरह से इसको प्रिपेयर करना है, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स एंड पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का उसी पेयरिंग में आएगा, और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 2, 4 से 2 शॉर्ट आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर ली है तो आपको चैप्टर नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप वो भी इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये भी फिर भी प्रिपेयर करने हैं तो मैंने आपके साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चंस शेयर कर दिए हैं। ओनली 8 क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ये वाले प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। और लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और 5 अगर आपको दोनों इजी लगते हैं और आप इनका लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप जो है मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। इनको दोनों तरह से तैयार कीजिए, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी। मैंने आपके साथ जो है थ्योरी वाइज भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कर दिए हैं और न्यूमेरिकल्स भी और एग्जांपल्स भी। ठीक है, जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ अभी आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि अक्सर जो है वो एग्जांपल्स ही एज अ न्यूमेरिकल आ जाती हैं। ठीक है,
जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद मैनिकल्स एंड पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का उसी पेयरिंग में आएगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 की पेयरिंग बन रही है और चैप्टर नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4 आने हैं और इसके अलावा जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है मस्ट प्रिपेयर करने होंगे। तो ये आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, आप ये वाले कर लेंगे तो आप ये वाला पोर्शन इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 4 के साथ, और अगर आपने ये वाला लॉन्ग प्रिपेयर करना है तो इसको थ्योरी वाइज भी प्रिपेयर कीजिए और न्यूमेरिकल वाइज भी और एग्जांपल्स भी, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरी वाइज भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं और एग्जांपल्स भी और न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद पेयरिंग स्कीम एंड न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम 2 शॉर्ट आएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो उसी पेयरिंग में आएगा। तो सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं इस चैप्टर से, तो अपने 6 क्वेश्चन जो है वो गिवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, तो अपने वाले प्रिपेयर करने हैं तो आप ये वाला पोर्शन इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इसकी पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 की। अगर आपको ये दोनों चैप्टर इजी लगते हैं, आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको थ्योरी वाइज भी प्रिपेयर कीजिए और न्यूमेरिकल वाइज भी। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद पेयरिंग स्कीम। तो चैप्टर नंबर 7 में जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 3 शॉर्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो इसी पेयरिंग में आएगा। ओनली 10 क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं, अपने प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं साथ, और इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 8 के साथ। इसमें से एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स भी आपने प्रिपेयर करने हैं, तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो चैप्टर नंबर 7 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी वाइज भी अटेम्प्ट कीजिए और न्यूमेरिकल वाइज भी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस विद पेयरिंग स्कीम एंड न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का उसी पेयरिंग में आएगा। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट आएंगे, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये अपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल्स की और लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 8 की बन रही है चैप्टर नंबर 7 के साथ। अगर आपको दो चैप्टर ईजी लगते हैं, आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने जो है इसको थ्योरी वाइज भी अटैम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल वाइज भी, और एग्जांपल्स जो आपको बता रही हूँ वो भी मिस नहीं करनी। जैसे एग्जांपल 8.1 और 8.4 जो है चैप्टर नंबर 8 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद पेयरिंग स्कीम एंड न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 9 जो 10 11 की पेयरिंग बन रही है क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें, और चैप्टर नंबर 9 से पेयरिंग स्कीम के मुताबिक 3 शॉर्ट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, जैसे स्टेट ह्यूजन प्रिंसिपल ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और इसको कॉमास में रिप्रेजेंट करना है। ओनली जो है 9 क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं, अगर आपने ये वाले प्रिपेयर कर लिए तो आप जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 10 के साथ। अगर आपने इसका लॉन्ग प्रिपेयर करना है तो इसको मस्ट प्रिपेयर कीजिए, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी। ओनली 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 4 जो है न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स विद पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का उसी पेयरिंग में आएगा, और इसकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक भी 3 शॉर्ट आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेंस वाला चैप्टर है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो आप चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है उसमें से आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है 6 क्वेश्चंस अपने अटैम्प्ट करने होते हैं, हमारे पास गिवन होते हैं 9, ठीक है। तो ईच चैप्टर से 3-3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको जो चैप्टर टफ लगता है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप स्किप कर दें। और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है इसकी पेयरिंग बन रही है चैप्टर नंबर 10 के साथ, 10 की बन रही है चैप्टर नंबर 9 के साथ। तो अगर आपने ये दोनों जो है लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, इनका दोनों के अगर आपको चैप्टर्स इजी लगते हैं, तो इनके लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाइज भी प्रिपेयर कीजिए और न्यूमेरिकल वाइज भी। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरी वाइज क्वेश्चंस भी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका लास्ट चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स एंड पेयरिंग स्कीम। तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसी पेयरिंग में आएगा, और पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से भी 3 शॉर्ट आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं अपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, तो आप ये वाला पोर्शन भी इजीली कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग बन रही है इसके चैप्टर नंबर 6 के साथ,
और चैप्टर नंबर 6 और 11 जो है, अगर आपको दोनों चैप्टर ईजी लगते हैं, इनके लॉन्ग क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करना है, तो इसको न्यूमेरिकल वाइज भी, एग्जाम्पल्स भी और थ्योरी वाइज भी प्रिपेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने गेस्ट पेपर्स जो है विद पेयरिंग स्कीम डिस्कस किए हैं, आपने सारे अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे तो आप इजीली जो है 85/85 जो है मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने मैथ की जो है पेयरिंग स्कीम और गेस्ट पेपर्स भी अपलोड कर दिए, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट जो है किस गेस्ट पेपर पर वीडियो बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सारे स्टूडेंट्स को कामयाब करे, और आप मुझे बताइएगा कि आपके पेपर कैसा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।